अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स क्या हाल है आपका, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स बहुत दिनों बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा दोस्तों के लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जितने भी राइडर भाई हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अभी हमें खुद की इंश्योरेंस करनी पड़ेगी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है, ठीक है। तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने हमें मैसेज कर दिया, तो दूसरे भी जितने भी भाई हैं सबको ये इंश्योरेंस करनी होगी, चाहे आप खुद भी ऑनलाइन कर सकते हैं या किसी टाइपिंग सेंटर से जाकर करवा सकते हैं। तो फ्रेंड मैं आज आपको खुद ही ये इंश्योरेंस करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप खुद घर बैठे ये कैसे इंश्योरेंस कर सकते हैं, और आपने अपने फ़ोन से ही करना है, ठीक है, ऑनलाइन इसका पे करना होता है। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूँ, मैं ये आपको क्यों बोल रहा हूँ कि ये सभी राइडर को इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। फ्रेंड ये हमारी इंश्योरेंस है, हमारे लिए ही है, ठीक है। तो क्यों करवानी पड़ेगी फ्रेंड, तो अभी जून के स्टार्ट होते ही इसके फाइन होने शुरू हो जाने हैं, ठीक है। तो फाइन किसको होना है, कॉन्ट्रैक्टर को नहीं होगा, कंपनी को नहीं होगा, ये फाइन राइडर को होगा। तो फ्रेंड इसलिए हमने ये खुद ही अपनी इंश्योरेंस करनी है, तो ठीक है। तो अगर आपने ये इंश्योरेंस ना की तो फ्रेंड आपको ये फाइन हो सकता है, तो लिहाजा सभी भाई जो हैं इसको जल्दी से जल्दी कर लें, ठीक है। जून तक का उन्होंने टाइम दिया है, तो ये इजी मेथड है, ठीक है, इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। अभी आपको मैं करके दिखा देता हूँ कि हमने कैसे फॉर्म फिल करना है और इंश्योरेंस को कैसे करना है। इस पेज का जो फ्रेंड लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ताकि भाई उधर से जा क्लिक करके इस पेज पे चले जाएं और जाके ऑनलाइन फिल करके फॉर्म सारा अपनी इंश्योरेंस खुद कर सकें। तो फ्रेंड इसका आपको मैं नाम भी बता देता हूँ, ILOE इसका नाम है, ठीक है। तो इसके बेनिफिट हमें बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, बेनिफिट क्या होने वाले हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फ्रेंड जैसे कि एक कंपनी है, जैसे कोरोना आ गया था तो काम नहीं था, कोई भी कंपनी अगर बंद हो जाती है या काम नहीं होता या ये वाला कोई भी सीन होता है, ठीक है, आपको काम नहीं मिल रहा या कंपनी बंद हो गया, तो इसके पे आपको गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपने साइन किया होगा, ठीक है, जैसे कि बेसिक सैलरी होती है वो आपको गवर्नमेंट पे करेगी अगर आपकी कंपनी बंद हो जाती है। तो फ्रेंड इसका फ़ायदा होने वाला है और इतने ज़्यादा इसके चार्जेस तो हैं नहीं। तो फ्रेंड अभी जल्दी से इसको ओपन करता हूँ लिंक और आपके साथ शेयर करता हूँ कैसे हमने फॉर्म फिल करना है और कैसे इसको पे करना है। फ्रेंड्स तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में भरा हुआ है उससे जब आप ओपन करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो इधर सबसे पहले ये रेड बटन आपको नज़र आ रहा है, सब्सक्राइब हेयर, आपने इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी दूसरी ऑप्शन हमारे आगे आ जाएगी, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, अभी आपको ये तीन इधर कैटेगरी नज़र आती हैं, तो जो सबसे ऊपर है प्राइवेट हम उसका चूज़ करेंगे क्योंकि हमने खुद के लिए करनी है। तो फ्रेंड फिर हमारे पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, इसके ऊपर जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है इसमें हमने एमरस आईडी वाला नंबर है वो लगाना है, और नीचे अपना जो फ़ोन नंबर है आपने वो लगाना है। आप अपना पर्सनल नंबर भी लगा सकते हैं या आप कॉन्ट्रैक्टर का दिया हुआ नंबर वो भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो आप नंबर लगाएंगे उसके ऊपर फिर OTP आएगी, तो आपने इधर OTP लगा देनी है। तो जैसे ही आप OTP लगा लेंगे तो फिर ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जिसमें बताया जाता है कि आपकी सैलरी कहाँ तक फॉल करती है, ठीक है, बेसिक सैलरी आपकी। उसके बाद फ्रेंड ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इधर आपसे वो पूछेगा कि आप कंफर्म करें जो आपने पर्सनल डिटेल दी है वो सब ठीक है, जो वो ठीक होगी तो आपने ये छोटा सा आपको बॉक्स नज़र आ रहा है इसके ऊपर टिक कर देना है। फ्रेंड्स तो फिर ये सारी कैटेगरी हमें शो हो जाएंगी कि आपने कौन सी सब्सक्रिप्शन लेनी है, 1 मंथ की है, 3 मंथ की है, 6 मंथ की है, 12 मंथ की है। तो फ्रेंड मैंने तो 6 मंथ वाली ली है, बाकी आपका जैसे दिल करे आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड इसके रेट भी आपको सारे शो हो रहे होते हैं। दोस्तों ये 6 मंथ वाले की सारा बिल इधर नज़र आ रहा है कि वेट कितना है, पेमेंट कितनी है, सारा इधर सारी डिटेल में उन्होंने बताया हुआ है। तो फ्रेंड इधर फिर नीचे ये आपको टर्म एंड कंडीशन वाला छोटा सा फिर बॉक्स नज़र आएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद ये आपको नीचे ग्रीन कलर का पे नो का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड फिर आगे हमारे ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, तो इसके ऊपर जो हमारा ईमेल एड्रेस है फिर हमने वो लगाना है, आपके पास कोई भी ईमेल एड्रेस आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड फिर हमारे से ये मेथड पूछेगा कि कौन सा पेमेंट मेथड आपने यूज़ करना है। तो फ्रेंड आप एप्पल पे भी यूज़ कर सकते हो, आप सैमसंग पे भी यूज़ कर सकते हो, आप वीज़ा कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड जो आपको ईजी लगे आपने वो चूज़ कर लेना है। तो फ्रेंड मेरे पास एप्पल पे मौजूद थी, तो फ्रेंड मैंने उधर से ही जो है इसके पे किए हैं। तो फ्रेंड जैसे ही आप पे कर देते हो ये आपको पे की डिटेल्स शो होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। फिर आपके पास ये वाली ऑप्शन आ जाती है कि आपने इसको डाउनलोड करना है या नहीं करना। तो फ्रेंड आप इसको PDF में डाउनलोड कर सकते हो। आई होप फ्रेंड आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप विदाउट एनी हेजिटेशन मेरे से पूछ सकते हैं।
फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं ये इंश्योरेंस का लेटर पीडीएफ फॉर्म में हमारे सामने आ चुका है। तो फ्रेंड ऐसे ही आप बहुत ज्यादा ईजी आप खुद भी कर सकते हो। तो फ्रेंड आई होप आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो फ्रेंड अगर आप ऐसी मजीद वीडियो देखना चाहते हैं चैनल के साथ बने रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।